हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द कंटीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सो इससे पहले हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल रिपोर्जेंट कर चुके हैं और कंटिन्यूस में अभी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे सो एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पी डी से हम पहले इसका मीन निकालेंगे फिर वेरियांस निकालेंगे फिर स्टैंडर्ड डेवियशन निकालेंगे फिर कंपैरिजन करेंगे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएन दोनों एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होता है फिर उसके बाद हम टू और थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे इसी पे इसी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स सो so, आपके पास ये आ गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटीन्यूस रैंडम वेरिएबल है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कंटीन्यूस इससे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही थी ये कंटीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उस समय कहेंगे अगर उसके पीडीएफ जो है मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो इस तरह का हो यहां तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इट इज़ एक्सपोनेंशियल तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हम करेंगे विद इन इंटीग्रल करेंगे आ, हमने डिस्क्रीट में आपने देखा होगा बाइनोमियल में या फिर पॉइजन में हम लोग सबमिशन यूज़ कर रहे थे लेकिन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ समन विल यूज़ इंटीग्रल और इसकी लिमिट आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ठीक है बिलो दैट इज़ इट इज़ ज़ीरो

वट इज मीन मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन बाई यू यूनिट टू शो दिस सो कैसे करेंगे एफ ऑफ एक्स आपको पता ही है पी डी एफ क्या होता है इसका ये ठीक है और मीन कैसे निकालते हैं वट इज़ मीन मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स फर्स्ट मोमेंट सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई पी डी एफ और अगर डिस्क्रीट होगा तो सबेशन आ जाएगा इन और कंटिन्यूस uh, होगा तो इंटीग्रल आ जाएगा तो दिस इज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सो इट विल बी इंटीग्रल सो इट इज़ यूजली माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी होता है लेकिन इस माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी में माइनस इनफिनिटी टू ज़ीरो तो ये ज़ीरो है ठीक है so सो मीन्स बचा हुआ पोर्शन नॉन ज़ीरो कौन सा ज़ीरो टू इन्फिनीटी में ठीक है सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी इस इंटरवल में सो मैं इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये कंटिन्यूस है ठीक है इस इंटरवल में जीरो टू इन्फिनीटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ एक्स मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ क्यूब होता तो क्यूब एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ सो जो क्यूब होता, होता है वो थर्ड मूवमेंट होता है स्क्वायर सेकेंड मूवमेंट होता है और फर्स्ट मोमेंट क्या होता है मीन ठीक है सो फर्स्ट मूवमेंट मीन है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गया जीरो टू इन्फिनिटी बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्राम ज़ीरो सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स मल्टीप्लाई बाई पी डी एफ सो एक्स इज देयर पी डी एफ यू सब्सटी दिस वैल्यू हेयर एंड यू जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेमडा एक्स को जेड ले लेते हैं एक नया अवेरेबल ताकि इसका इंटीग्रल हो सके सो हमने लेमडा एक्स इज इक्वल टू जेड ले लियाडा डी एक्स विल भी डी जेड सो डी एक्स विल भी डी जेड बाई लेमडा

It is nothing but e raised to minus z upon minus 1 uh, is and now limit substitute for the infinity sub uh, is infinity substitute current at the e raised to the power minus infinity is nothing but 0 and uh, 0 substitute current at the e raised to 0 is 1 multiplied by z is 0 so 0 this quantity is 0 minus this quantity is 1 so you will have. वन बाई लेमडा सो मीन आपका वन बाई लेमडा निकल गया वेरियंस क्या होगा वेरियंस क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर सो हमें पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा मतलब मोमेंट टू सो मोमेंट टू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर ठीक है अभी पहले मीन में, में जब मैं ये कर रहा था तो आप लोगों को बताया था तो फिर मल्टीप्लाई पे एफ एक्स ठीक है एफ़ एक्स ये रहा आपका एफ एक्स आपने सब्सटीट्यूट कर दिया उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई है क्योंकि सेकेंड मोमेंट निकाल रहे हैं ज़ीरो टू इन्फिनी लिमिट है ठीक है एंड अगेन द सेम थिंग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो एक्स लेमडा साथ में ले लो और एक्स डी एक्स एक साथ ले लो ठीक है सो x लेमडा को अगेन z ले, ले लेंगे अनदर वेरिएबल सो आपके पास डी जेड क्या आ जाएगा सॉरी डी एक्स आ जाएगा Dz by lambda, it is z, not x, it is z, okay. So dzx will be dz by lambda. तो यहाँ पर आ जाएगा z e raised to the power minus z और dx की जगह dz by lambda और in place of x it will be z by lambda. तो नीचे lambda, lambda दो बार आ गया तो lambda square हो गया और z भी two times आएगा तो z square हो गया और e raised to the power minus z. डी जेड अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर को यू टेक इट एज इट इज़ सो जेड स्क्वायर ई रेस्ट और माइनस जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस्ट में माइनस जेड अपन माइनस वन लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो डिस क्वांटिटी बिकम ज़ीरो सिमिलरली अभी ये टर्म अभी मीन की केस में किया था डिस क्वान्टिटी इज नथिंग बट वन सो टू मल्टीप्लाई बाई लैमडा इज अभी आपका निकला है टू बाय लेमडा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मीन आप निकाल चुके हो वन बाई लेमडा और उसका स्क्वायर मीन्स वन बाई लेमडा स्क्वायर इट मीन्स टू बाय लेमडा स्क्वायर माइनस वन बाय लेमडा स्क्वायर इज वन बाय लेमडा स्क्वायर सो ये आपका प्रूफ हो गया ठीक है अब व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड एवियशन क्या होता है इट इज नथिंग बट अंडर वेरियंस, सो वेरियंस क्या है वन बाय लेमडा स्क्वायर सो इट बिकम्स वन बाई लेमडा सो योर वन बाई लेमडा इज ऑल्सो मीन सो मीन एंड स्टैंडर्ड एवियशन इज सेम इन केस ऑफ एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जामिशन ओके सो लेट्स कंसिडर वन और टू एग्जाम्पल्स सो हियर एज्यूम दैट टेलीफोन कन्वर्जेशन फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक टेलीफोन कन्वर्जेशन है जो कि एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जिसमें ये पी दिया है ठीक है हमें क्या करना है मीन वेरियंस निकालना है तो मीन के लिए क्या निकालना होगा मीन क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय लैमडा तो पहले तो लेमडा निकालो क्या है लेमडा इस डिस्ट्रीब्यूशन में लैमडा क्या होगा तो अगर आप पहले इसको कंपेयर करोगे ओरिजिनल पीडीएफ जनरल पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से तो वो क्या होगा ये अभी इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास लेमडा क्या है लेमडा इज़ नथिंग बट वन बाई फाइव ये देखो लेमडा एरेज माइनस लेमडा एक्स वन बाई फाइव एरेज माइनस एक्स बाई फाइव सो लेमडा इज़ नथिंग बट वन बाई फाइव ओके सो लेमडा निकल गया है वॉट इज मीन मीन इज़ वन बाई लेमडा सो मीन वन बाई लेमडा है तो वन बाई वन बाई फाइव मीन्स फाइव वेरियंस क्या होता है वन बाई एलेम डाइस्वास इट बिकम्स ट्वेंटी फाइव ओके सो इट मीन्स यू हैव टू फाइन ना ना द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ फाइंड द प्रॉबलिटी दैट द कन्वर्जेशन एक्सीट फाइव मिनट्स अब मुझे फाइव मिनट ज़्यादा कन्वर्जेसन जो होगा मान लो मैं टेलीफोन बुद्ध पे बातें कर रहा हूँ और उसकी क्या प्रॉबलिटी होगी कि जो मैं कन्वर्जेशन कर रहा हूँ जो बातें कर रहा हूँ वो पाँच मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्रॉबलिटी मीन्स मुझे एक्स क्या निकला है एक्स इज़ एक्स इज़ टी ही ओके टाइम ईयर सो टाइम इज़ नथिंग बट ग्रेटर देन फाइव सो ग्रेटर देन फाइव है सो एक्स इज़ एक्स एक्स ग्रेटर देन फाइव तो लिमिट आपका कहाँ से वेरी कर रहा है जीरो टू इन्फिनिटी ठीक है अब वन पॉइंट फाइव ही रेस्टोर माइनस वन पॉइंट फाइव ये तो आपका पी डी एफ है लेकिन एक्स जो टाइम है वो कहाँ से वेरी कर रहा है फाइव से फ़ाइव से मीन्स सो लोअर लिमिट विल चेंज फ्रॉम ज़ीरो टू फाइव ठीक है सो फाइव टू इन्फिनिटी मीन्स ग्रेटर देन फाइव मीन्स फ़ाइव से इन्फिनिटी फाइव से आगे गया मीन्स फाइव सिक्स सेवन एट डॉट 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 टू इन्फिनिटी सो फाइव टू इन्फिनिटी सो इट हीयर फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू विल ऑल्सो कन बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस सो देर इज़ नो ब्रेक देर इज़ नो डिस्क्रीट पॉइंट्स देर इज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट्स सो फाइव टू इन्फिनिटी में हर पॉइंट आएगा ठीक है सो ई रेस्टोरेंट माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव यहाँ पर बाहर ले लिया था इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपका आंसर आ गया ख़त्म ठीक है लेट्स द सेकंड एग्जांपल टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंट से पासिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ अटर वे आई हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एट मिनट्स आपको बारजिस पता ही होगा बारजिस होता है कि जो समुद्र में बोट होते हैं जो कि लगेज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं इधर उधर वो होता है तो उनके बीच में कह रहा है कि इंटरवल टाइम इंटरवल एक बिजी वाटर वे में टाइम इंटरवल का जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद मीन एट मिनट मीन्स एट मिनट वो एक दूसरे मीन्स ट्रैफिक इन ए, सेंस ट्रैफिक में फंसे हैं ठीक है सो तो तो प्रॉबलिटी मुझे निकालनी है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बैचेस इज़ लेस देन फाइव इसकी क्या प्रॉबलिटी होगी कि दोनों के बीच का जो इंटरवल है टाइम इंटरवल पास करने का वो फाइव मिनट से कम है ठीक है और दूसरा पूछा है कि अगर टी मुझे निकालना है टाइम इंटरवल टी ही निकालना है मुझे टाइम नहीं पता टी निकालना है कि सच देट वी कैन हैव नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर दैट टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बैचेस विल नॉट ग्रेटर दैन टी विल बी सॉरी ग्रेटर दैन टी टी से ज़्यादा हो मुझे वो टाइम इंटरवल निकालना है कि 95 परसेंट जो है वो टी से ज़्यादा हो ठीक है तो देखो पहले स्टेप क्या होता है अपने पास एक्सपोनेंशियल uh, डिस्ट्रीब्यूशन में लेमडा निकालना सो लेमडा निकालो लेमडा क्या है लेमडा कैसे निकालेंगे लेमडा के लिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यहाँ क्या दिया है मीन दिया है आपको मीन इज एट मिनट ठीक है सो मीन एट मिनट है सो मीन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है वन बाई लेमडा सो वन बाई लेमडा इज़ नथिंग बट एट सो लेमडा क्या निकल गया आपका जीरो पॉइंट वन टू फाइव ठीक है लेमडा निकल गया अब नेक्स्ट स्टेप है एक्स निकालना वॉट विल भी एक्स मीन्स यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आर आर इज़ नथिंग बट यहाँ टाइम है ठीक है तो मुझे टाइम क्या निकालना है लेस देन फाइव मीन्स टी शुड बी लेस देन फाइव मीन्स योर x इज़ लेस देन फाइव निकालना है मुझे सो पी डी एफ आपका ये है जीरो लैमडा की वैल्यू आप निकाल चुके हो जीरो पॉइंट वन टू फाइव आई है तो ये पी डी एफ बन गया है तो आपको एक्स लेस देन फाइव निकालना है मीन्स टी लेस देन फाइव निकालना है तो आपके लिमिट जीरो टू तो इन्फिनी है ये आपका पी डी एफ हो गया है इन प्लेस ऑफ लेमडा यू सब्सटीट्यूट जीरो पॉइंट वन टू फाइव ये आपने सब्सिट्यूट कर दिया इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दो आप लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो आपका आंसर आ गया ख़म ठीक है उसी तरह सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट है कि मुझे टी निकालना है कि अगर 95 परसेंट मैं श्योर हूँ कि जो इंटरवल बिटवीन टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बार्जेस विल बी ग्रेटर दैन टी तो यहाँ पर टी क्या है मीन्स जो एक्स है वो ग्रेटर दैन टी ही है लेकिन एक चीज़ उसने नॉन दिया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नाइन्टी फाइव परसेंट होना चाहिए मीन्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन टी कितना है नाइन्टी फाइव परसेंट इट मीन्स दिस इज़ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव एफ ऑफ आर या एक्स इज ग्रेटर दैन टी इज़ जीरो पॉइंट नाइन फाइव ठीक है और इसी का पी डी एफ में अगर हम इंटीग्रल से निकालें तो क्या आएगा अपने पास एफ ऑफ आर ग्रेटर देन टी की पॉसिबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी ना तो टी यहाँ पर लोअर लिमिट है ठीक है आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में लेस देन फाइव था तो हमने अपर लिमिट में फाइव लिया था इसमें ग्रेटर देन टी है तो हम लोअर लिमिट में टी ले रहे हैं ठीक है थीके? तो टी टू इन्फिनिटी आपका ये पीडीएफ था लेमडा के साथ में यहाँ सब्सिट्यूट किया है उसको उसके बाद केवल इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास ये आ गया ठीक है इन्फिनी सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहला क्वान्टिटी जीरोन नेक्स्ट क्वान्टिटी विल बी मल्टीप्लाई बाई टी एज इट इज इट विल बी सो दिस टू विल कैंसिल यहाँ पर टी आ जाएगा ई रेस्टोरम माइनस जीरो पॉइंट वन टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टी सो इसका इंटीग्रल ये आ गया अब दिस क्वान्टिटी इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस बडी एंड दिस बडी इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस बडी सो दिज टू बडीज आर इक्वल ओके सो बाई वन एंड टू दीज टू आर इक्वल दिज टू आर इक्वल मीन्स टी आपके पास क्या गया यू टेक लॉक बोथ साइड सो यू अप्लाई लॉक सो यूल हैव टी दिस वन सो ज़ीरो पॉइंट फोर वन जीरो थ्री मिनट्स इज द एंसर कि नाइंटी फाइव परसेंट श्योर होगा कि टाइम जो है वो ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट वन फो जीरो पॉइंट फोर वन मिनट होगा मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिक्सटी से तो सेकेंड्स में निकल जाएगा तो वो कुछ ट्वेंटी टू या ट्वेंटी थ्री सेकेंड आएगा ठीक है सो फाइनली ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो और uh, आप आई होप आप लोगों को एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो कंप्लीट समझ आ गया होगा और अगर समझ आ गया है अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ठीक है सो सी द नेक्स्ट वीडियो